Hello everyone. Today we study maths from Golden Mathematics Standard 4th. Today our topic is place value system. In place value system, we have two different types of system. First is Indian place value system. Second is international place value system. हमारे इंडिया में हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम रूल ही फॉलो करते हैं. इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम वी हैव फोर पीरियड्स. वन, वंस, थाउजेंड, लाख एंड लास्ट वन इज करोड़. हमें कोई भी डिजिट आपको दिया है तो आपको पहले उसे क्लासिफाई करना होगा कि वो वंस में आता है, थाउजेंड में आता है, लाख में और करोड़ में. अब हम देखते हैं कि वंस को किस तरीके से क्लासिफाई किया है, थाउजेंड को एंड लाख को. बट इन फोर्थ वी ओनली स्टडी अप टू लाख. हमें लाख तक ही पढ़ना है. वंस में आता है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड में आता है थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख में आता है लाख एंड टेन लाख. यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी वंस नंबर दिए हैं तो सामने उसकी प्लेस वैल्यू दी है और ये पीरियड्स हैं. नाउ इन वंस वी हैव ओनली वन डिजिट. वंस में हमारे पास एक ही डिजिट होता है. इन टेंस वी हैव टू डिजिट इन विच लास्ट डिजिट इज ज़ीरो. टेंस में हमें लास्ट डिजिट ज़ीरो दिखाई देता है. हंड्रेड में हमें टू ज़ीरोज़ दिखाई देंगे लास्ट में, विच इज़ 100. इन थाउजेंड वी हैव थ्री ज़ीरोज़ एट द बैक ऑफ वन, सो इट कंटेन 1000. 10,000 में हमें फोर ज़ीरोज़ दिखाई देते हैं जिसे हम 10,000 कहेंगे. लाख में वी हैव फाइव ज़ीरोज़ ओवर हियर, सो इट कैन बी सेड एज 1 lakh. 10 lakh में हमें 6 zeros दिखाई देते हैं, which called as 10 lakh. इसमें एक important चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है, वो है कॉमास, कि हम कॉमा किस तरीके से प्लेस करेंगे. कॉमा हमें इतना हेल्पफुल होता है कि अगर कोई भी नंबर में कॉमास प्लेस किए होते हैं तो हम easily उसे रीड आउट कर सकते हैं. नाउ वी कैन सी दैट वंस एंड थाउजेंड एंड लैक वी हैव थ्री डिफरेंट पीरियड्स. एक पीरियड ख़त्म होने के तुरंत बाद हमें कॉमा प्लेस करना होता है. नाउ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ हमें हंड्रेड के बाद यहाँ वन कॉमा दिखाई दे रहा है. उसी तरीके से 10,000 के बाद हमें एक कॉमा दिखाई दे रहा है. इस तरीके से हम कॉमास प्लेस करते हैं. वन थिंग जो आपको याद रखनी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आपको कोई भी डिजिट आपको रीड आउट करना है तो आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, नॉट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अगर आप ऐसा करते हो तो आपका नंबर सिस्टम रॉन्ग हो जाएगा. सो आप एक चीज़ याद रखोगे दैट यू हैव टू काउंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली. हम यहाँ पे भी देखते हैं ये फोर पीरियड्स तो हम वन से ही स्टार्ट करते हैं. वंस, थाउजेंड, लाख एंड लास्ट वन इज़ करोड़. इसी तरीके से हम कोई भी अगर एग्जांपल्स देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हो कि हमने यहाँ अलग अलग पीरियड्स लिखे हुए हैं जिसमें यहाँ हमने शॉर्ट फॉर्म दिए हैं. वंस का ओ, टेन का टी, हंड्रेड का एच, थाउजेंड का टी एच, टेन थाउजेंड टी डॉट टी एच, लाख का एल, 10 lakh का टी एल. ये हमें शॉर्ट फॉर्म्स याद रखने होंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो तो 100 के बाद आपको एक कॉमा हमेशा प्लेस करना होता है. यहाँ अगेन हियर ऑल्सो वी हैव टू प्लेस अ कॉमा बिटवीन लाख एंड 10 lakh. लाख एंड 10 lakh के बीच में हम एक कॉमा प्लेस करते हैं. अब यहाँ हम एग्जांपल देखते हैं. अगर वन नंबर आपको दिया है, वन डिजिट आपको दिया है, कोई भी नाम डिजिट हो, सपोज़ वी हैव हियर थ्री, तो यहाँ हम थ्री ही लिखेंगे. अगर टेंस के नीचे फोर एंड ओ के नीचे नाइन दिया है, देन इट विल बी 49.
H के नीचे 3, T के नीचे 5, O के नीचे 4 दिया है, then it will be 354. Here we have 2 in 1000 place, 6 in 100 place, 9 in 10th place and 6 in 1's place. Then we will speak as 2696. Again we have another examples of 10,000. 34,203. यहाँ आप देख सकते हो कि ज़ीरो दिया गया है. ये ज़ीरो टेंस के प्लेस पे है तो हम ज़ीरो नहीं कहेंगे. ये वैल्यू हमें ब्लैंक छोड़नी होगी. तो आप यहाँ कैसे रीड कर सकते हो, आप देख सकते हो 34,203. यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, सिंपली एंड रख दिया है. नाउ अनदर एग्जांपल इज 6 lakh, because 6 is in lakh, so we read it as 6,54,983. Okay, again of example of 10 lakh, 29,15,654. आपको जो भी हम एग्जाम्पल यहाँ से देंगे आपको खुद से प्रिपेयर भी करने हैं. ओके, नाउ असाइनमेंट 1. In this question, we have to write in Indian place value system and put some commas over here. The first example is 5, 8, 9, 8, 7, 8, 5. Simply हमें एक number दे दिया है, but हम इसे read कैसे करते हैं? मैंने आपको पहले ही सिखाया है that we have to place commas over here properly. Okay? तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 100 digit के बाद एक comma आपको दिया गया है. Then you have to put another comma between lakh and 10 lakh. तो आप यहाँ देख सकते हो example में 1, 2, 3. तो 3 digit के बाद एक comma place करना है आपको. Then again 2 digit के बाद एक comma place करना है. ये आपको याद रखना होगा because this is too much important in this Indian place value system. Then it is simply you have to read it as you read अनादर एग्जाम्पल्स. आपको सिंपली इसे रीड करना है. ओके, पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख देते हैं. 5 के ऊपर O, 8 के ऊपर T, 7 के ऊपर H, 8 के ऊपर TH विच इज 1000, 9 के ऊपर TTH विच इज 10,000, 8 के ऊपर लैख एंड 5 के ऊपर 10 लैख. ओके, सिंपली वी हैव टू रीड इट एज लाइक दिस 58 लैख बिकॉज इट इज इन द लैक पोजिशन. देन 98,785. सो इट इज रिटन ओवर हियर 58,98,785. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस 5, 2, 4, 9, 1. Simply we will write over here numbers 5, 2, 4, 9, 1. हम थोड़ा सेपरेटली लिखेंगे ताकि हमें zeros means short form लिखते हुए easier रहे and we have to also put here commas. Comma भी हम easily put कर सकते हैं. First ones, then tens, 100, 1000 and last one is 10,000. यहाँ कोई भी नंबर लेफ्ट आउट नहीं हुआ है. सो इट मीन्स यू हैव टू टेक केयर दैट यहाँ कोई भी नहीं है. सो यू हैव टू प्लेस इट एज इट इज़. जितना है आपको उतने ही नंबर्स को रीड आउट करना है. सो हमने क्या कहा था, 100 और 1000 के बीच में एक कॉमा आपको प्लेस करना है. यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉमा आएगा बिकॉज वी डोंट हैव इनफ नंबर ओवर हियर. सो वी विल रीड इट एज 52,000. व्हाट वी हैव इन 100 प्लेस, 4. यस, 400. व्हाट वी हैव इन 10th प्लेस, 9, विच इज 90. What is in the place of ones? 1. So simply we will write 1. This is 52
491. Okay, understood everyone? Yes. We will go to next example. We have 3, 6, 9, 8, 2. 2 के ऊपर आप हम वंस लिखते हैं, देन टेंस, देन 100, देन 1000, लास्ट वन इज 10,000. यस. नाउ पुट कॉमा बिटवीन 100 एंड 1000 ओवर हियर लाइक दिस. ओके, रीड इट. यस. 34, 36,000. What we have in 100 place? 9. Then 900. 82. Okay. This is Indian place value system. इस तरीके से आपको कोई भी अगर हमने examples दिए होंगे तो आपको solve करने होंगे by putting place value system in that number. Okay, now we come to know that Indian place value system हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे कुछ और examples और explanation मैंने आपको दिखाया गया है जो easy way में है. अगर आपको कुछ समझ में ना आए या कोई भी आपको query हो then आप कह सकते हो. But here we have another some examples or some explanation given here जो आपको easily पता चल जाएगा. जो हमने पहले study किया हुआ है वही चीज़ हम मैं आपको यहाँ repeat कर रही हूँ easy way में. Indian place value system. In the Indian place value system there are 4 periods जो मैंने आपको already बताया हुआ है. 4 periods. First is ones, thousand, lakh and last one is crore. Now we have its proper classification where we have to put commas. यहाँ जो मैंने आपको पहले बुक में दिखाया था वही चीज़ मैं यहाँ रिपीट कर रही हूँ आपको. That ones, thousand and lakh को किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं और कहाँ कहाँ कॉमास पुट ऑन करने हैं. इन वंस वी हैव वंस, टेंस एंड हंड्रेड. इन थाउजेंड वी हैव थाउजेंड, टेन थाउजेंड. इन लैख वी हैव लैख एंड टेन लैख. We have to put first comma between 100 and 1000 over here. Second, we have to put comma between 10,000 and lakh over here. Okay, understood? Now, to learn the above thing, we have some short form with commas. ये बहुत ही important है जो आपको याद रखना है. ये short forms. Ones का O, tens का T, 100 का एच, 1000 का टी एच, 10,000 का टी डॉट टी एच, लैक का एल, 10 लैक का टी एल. दिस इज टू मच इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज स्टूडेंट प्रिपेयर इट वेरी वेल. अगर आपकी एग्ज़ाम होगी या आपको कुछ भी होमवर्क दिया होगा, कोई भी वर्क आपको यहाँ से आएगा तो आपको इस मेथड से ही इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के आंसर्स देने होंगे. दिस इज़ टू इम्पॉर्टेंट. Now, while writing a number in their system, commas are used to separate periods. Yes, जो मैंने आपको पहले समझाया ये वही चीज़ है. commas पूरे periods को separate करने के लिए use होते हैं. Reading the number became easy due to commas in the correct place. Yes, हम उसे पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए easy हो जाता है अगर उसमें commas लगे हुए होंगे तो. Okay? फर्स्ट एग्जाम्पल 5, 8, 9, 8, 7, 8, 5. यस, मैंने यहाँ आप देख सकते हो नंबर लिखा हुआ है. उसके नीचे उसके शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं. आप ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, इट्स डोंट हैव एनी इश्यू. बट लिखना और करेक्ट फॉर्म में लिखना है आपको, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, सो वंस में आएगा 5, टेंस में 8, 700, थाउजेंड में 8, 9 में 10,000, लाख में 8 एंड 10 लाख में 5. ओके, नाउ
यहाँ मैंने अलग अलग क्लासिफिकेशन स्टैंडिंग फॉर्म में लिखे हैं ताकि फर्स्ट एग्जांपल में आपको ये इजी हो जाए. ओके, वंस में आएगा 5, टेंस में 8, 100 में 7, 1000 में 8, 10,000 9, लैख में 8, 10 लाख में 5. ओके, एंड ओवर हियर वी हैड पुट सम कॉमास टू रीड इट इजीली. हियर वी पुट 8, पुट कॉमास बिटवीन 8 एंड 7, अनादर कॉमा बिटवीन 9 एंड 8. यू कैन सी ओवर हियर. सो वी रीड इट एज 58,98,785. देखो हम नंबर्स कैसे रीड कर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है. अगर वन पीरियड का है तो टेंस के फॉर्म में ही आपको बोलना होगा. देखो हम यहाँ फिर से रिपीट कर रहे हैं, 58,98,785. ओके, वी हैव सम मोर एग्जांपल्स ओवर हियर. 4223045. सो वी हैव टू पुट कॉमास बिटवीन हियर. यहाँ हम लिखते हैं ओ टी. ओ मीन्स वंस, टी मीन्स टेंस, एच मीन्स 100, देन 1000, देन 10,000, लैख एंड लास्ट वन वी हैव 10 लैख. ओके, नाउ If you put this type of short form, then it will be easier for you to recognize a number. एक नंबर को पहचानने के लिए आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखने ही हैं. And you have to put commas with the help of these short forms. Okay? First comma we will put between 100 and 1000, which is between 0 and 3. Second one between 10,000 and lakh. Between 2 and 2, okay? In this form, in this manner. Now we will read it as 42,23,045. यहाँ हम देख सकते हैं 100 के प्लेस पे 0 है. It means हमें 100 की प्लेस ब्लैंक रखनी होती है और डायरेक्टली नेक्स्ट डिजिट पे आपको जंप करके वो पढ़ना होगा. ओके, नाउ यू कैन सी ओवर हियर. मैं ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ फिर से, 42,23,045. डायरेक्टली मैंने यहाँ 45 ले लिया है. इट मीन्स 100 की प्लेस आपको ब्लैंक रखनी है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 390077. यहाँ हम फिर से शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, ओ टी टी एच. टी टी एच मीन्स 10,000, लैख देन 10 लैख. ओके, नाउ हियर वी सी टू जीरोज ओवर हियर. ओके, हमें टू जीरोज यहाँ दिखाई दे रहे हैं. सबसे पहले हम कॉमा प्लेस कर देंगे. ओके, इन ज़ीरो वी हैव 100, 0 ऑफ 1000, 9 ऑफ 10,000, 3 ऑफ लैख. ओके, इस तरीके से अब हम पहले कॉमा प्लेस करेंगे, पुटिंग कॉमा बिटवीन द टू जीरोज, बिकॉज ये 10 100 के नीचे हैं एंड सेकेंड 0 1000 के नीचे हैं. ओके, नाउ वी विल रीड इट एज, लास्ट डिजिट है हमारे पास 3, विच इज ऑफ लैख. So we will read it as 390,000. 90 आपको दिखाई दे रहा है, वो 1000 पीरियड्स के नीचे है. So we will read it as 90 only because we don't have any of the digit over here except 0. सिर्फ हमारे पास 0 है तो आप इसे पूरा होल डिजिट ही रीड आउट करोगे. So we will write it over here as 90,000. 100 प्लेस पे अगेन वी हैव 0 ओवर हियर. सो 100 की प्लेस आपको ब्लैंक रखनी है एंड डायरेक्टली वी हैव टू राइट लास्ट टू डिजिट विच इज 77. इसे हम रीड कैसे करेंगे, 3 लैख
90,077. Understood? Now, you will do this one example right now. Okay. अब हम देखते हैं किस तरीके से इसे हम राइट आउट करेंगे. चलो स्टूडेंट्स, आपको मेरे साथ ट्राई करना है. ओके, सो वी विल राइट नंबर्स ओवर हियर विच इज 2, 3, 0, 6, 4, 1, 4. आप कोई भी अगर इस तरीके से डिजिट्स लिखते हो तो आपको सेपरेटली लिखना होगा बिकॉज यू हैव टू प्लेस ओवर हियर कॉमास. Now we will put 0 which is tens, then T for tens, 100 for H, 6 for 1000, 0, 10,000, 3 lakh, and last one we have 10 lakh. Okay, first comma हम कहाँ place करते हैं? Between 0 and 1000. So we will put first comma over here. Second comma हम कहाँ place करते हैं? Between 10 lakh and 10,000 and lakh, in this manner. आपको दिखाई दे रहे होंगे कि मैंने commas किस तरीके से place किए हैं. This is important for Indian place value system. Okay? Now, lakh में हमें दो digit दिखाई दे रहे हैं of 10 lakh and lakh. So we will read it as 23 lakhs. 23 lakhs. We have 0 in place of 10,000. So हमें इसे blank ही रखना होगा. 6 कहाँ है? Of 1000. So we will directly write as 6,000. 100 के प्लेस पे है 4, सो वी विल राइट इट एज 400, एंड लास्ट वन इज 14. ओके, क्लियर हो गया आपको ये कॉन्सेप्ट? ओके, द लास्ट वन इज वी हैव 23,06,414. Okay, thank you students for listening us. This is our topic of today's place value system. So well prepared and be ready for the next lecture.